भुवनेश्वर में आयोजित किए जा रहे मेले में अवैध रूप से पार्किंग की वसूली की जा रही है। जवाबदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। परंपरागत अनुसार नगर परिषद ओमकारेश्वर के मांधाता विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बड़े दो कार्तिक एवं शिवरात्रि मेले के दौरान आसपास क्षेत्रों से आने वाली बिना पेट्रोल की वाहन बैलगाड़ियों के इस वर्ष मेले में नगर परिषद द्वारा दिए गए पार्किंग ठेके में ठेकेदार के आदमियों द्वारा मनमानी पूर्ण वसूली वाहनों से की जा रही है। इतना ही नहीं, अनुबंध के निर्देशों की धज्जियां भी उड़ाई गई। सूत्रों ने बताया कि ये लोग बैलगाड़ी एवं बैल जोड़ी वाले किसानों से भी पार्किंग की वसूली कर रहे हैं। उनसे 200 से 300 रुपए प्रतिदिन राशि लिए जाने की शिकायतें भी लगातार मिलती रही है। ग्रामीणों को रसीदें तक नहीं दी गई। नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक महेश चौकसे ने कार्रवाई की बात कही है। पहले आनंद गाड़ी बैल वाले तो 5 रोज का आनंद लेते ही थे, 4 रोज का, और अब उनसे 200 रुपए मांग रहे हैं यहाँ। वो फिर ये बोलते हैं कि 200 रुपए तो किराए लगा के चले जाना नहीं, ये पार्किंग वाले जो यहाँ मारुतियों की पार्किंग वाले 1 रोज के 100 रुपए ले रहे, तो अब उनको 4 रोज रुकना है। तो हमने तो कल भी सब यही बात चर्चा हमारी चली थी वहाँ, तो सब गाड़ी बेल वाले बोले कि मैंने कहा भाई सिरसूद बड़ूत इधर की गाड़ियाँ क्यों कम हुई है, तो बोले कि अब वहाँ 200-200 रुपये मांगते हैं, और बेलों को हम पहले नहलाते थे नर्मदा में, अब नहलाने भी नहीं देते हैं। दोपहर न्यूज़ के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।